पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिस गैंगस्टर के नाम पर मेरठ से लेकर दिल्ली तक, गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद तक हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं, अब तक इस गैंगस्टर की जराइम की दुनिया में ही डिमांड होती थी। लेकिन अब इस गैंगस्टर की डिमांड एक ऐसे पिता को हुई है और उस पिता ने अपनी बेटी का हाथ इस गैंगस्टर के हाथ में देने का फैसला किया है। महाराजगंज जेल में बंद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार अनिल दुजाना शादी करने जा रहा है। 15 फरवरी को अनिल दुजाना ने पेशी के दौरान कचेरी में ही अपनी मंगेतर पूजा से सगाई कर ली और अब शादी भी करेगा। दरअसल अनिल दुजाना की यह शादी एक ऐसी बेटी के पिता की मर्जी से हो रही है। अपनी पुरानी दुश्मनी के लिए डॉन दामा चाहता था। बागपत के रहने वाले लीलू अपनी बेटी पूजा की शादी अनिल दुजाना से करने जा रहा है। दरअसल 40 बीघा जमीन के लिए लीलू का गांव के ही राजकुमार से बरसों पुराना विवाद है। राजकुमार ने बीते साल अपनी दो बेटियों की शादी गाजियाबाद के गैंगस्टर हरेन खड़खड़ी और उसके भाई से की। गैंगस्टर दामाद पाने से राजकुमार की ताकत बढ़ गई तो लीलू ने भी अपनी बेटी के लिए राजकुमार के गैंगस्टर दामाद से बड़े गैंगस्टर की तलाश शुरू कर दी। ऐसे में लीलू का दामाद बनने के लिए गैंगस्टर अनिल दुजाना सबसे सही नाम था। 15 फरवरी को लीलू ने अनिल दुजाना से अपनी बेटी की सगाई कर दी और अब शादी की तैयारी में है। फिलहाल गैंगस्टर अनिल दुजाना की शादी पर UPSTF नजर गड़ाए है। अब इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इस प्रकार जितने भी हार्डन क्रिमिनल्स हैं और उनके जितनी भी नई गतिविधियां होती हैं उस पर हमारी नज़र रहती है। इस शादी से भी यदि अगर कोई नई नेटवर्किंग की जा रही है इस पर भी हम अपनी नज़र रखेंगे। डॉन के भाई की डॉन की बहन से शादी के यूँ तो तमाम किस्से सामने आए, लेकिन ये पहला मामला है जब किसी पिता ने अपने गाँव की दुश्मनी के लिए, गाँव के दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए अपनी बेटी का हाथ किसी गैंगस्टर के हाथ में देने जा रहा हो। फिलहाल गैंगस्टर की शादी पर UPSTF से लेकर दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस तक नज़र गड़ाए हुए है। ETV भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।